मैं ये जो बैठी है पाकिस्तान मोहतरमा से, इनसे मैं बोलूंगा कि आप अपने बुजुर्गों से पूछिए, पाकिस्तान इन बॉर्न भिखारी और खैराती है। जब आपका देश बना था तब 50 करोड़ रुपए के आसपास भारत से कैश दिए गए थे ताकि आप अपने सरकारी कामकाज को चला लो, तो आप तो जन्मजात भिखारी हैं और खैराती हैं। रही बात ये धमकी देने की ना, धमकी देना यानी जैसे लोकल गुंडे होते हैं ना जो एक्सटॉर्शन करके मनी उगाही करते हैं, ये पाकिस्तान का नेशनल धंधा बन गया है, नेशनल बिजनेस इसको डिक्लेयर करना चाहिए, ये पाकिस्तान का नेशनल धंधा बन गया है, नेशनल बिजनेस इसको डिक्लेयर करना चाहिए कि हर आदमी को, हर देश को हर बात पे धमकी देना, जैसे लोकल गुंडे धमकी देते हैं कि भाई इतना पहुंचा दो, परमाणु बम की धमकी देंगे, अब वो भी पहले वार की ये धमकी देते थे, कश्मीरी नहीं, एक्चुअली इनका निशाना तो पूरे हिंदुस्तान और उसकी प्रॉस्पर्टी पे है, ये तो बहाने ढूंढते रहते हैं। आपको अभी टीवी पे इसी पूछ दे तो आप भी हाथ जोड़ के बोल दोगी कि हमें वीजा दे दो, हम इंडिया आने के लिए तैयार है। राष्ट्रपति ओसामा को हीरो बताते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक एके मिश्रा हैं, साथ ही पाकिस्तान से जो मेरे मेहमान जुड़ रहे हैं आरजू काजमी हमारे साथ जुड़ेंगी। आरजू काजमी हमारे साथ हैं, पत्रकार हैं पाकिस्तान से। तहरीक जवानन पाकिस्तान के चेयरमैन अब्दुल्ला हामिद गुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही डॉक्टर रिजवान नसीर जुड़ेंगे थोड़ी देर में हमारे साथ। एके मिश्रा हैं उनके साथ शुरुआत करूंगी। मिश्रा जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं महाभारत की शुरुआत करूंगी। आरजू काजमी, आप बहुत दिन बाद महाभारत में नजर आई हमें, आरजू आपके साथ और साथ ही हमारे साथ एके मिश्रा हैं, उनके साथ शुरुआत करूंगी। नहीं, पाकिस्तान के इकोनॉमी कुछ अरसे से खराब थी, हम ये किसी से छुपा नहीं रहे, सबको इस बारे में मालूम है, और जो हमारी तरह की अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उनको इस तरह की प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, और फिर दूसरी कंट्रीज के साथ हमें कुछ लोन वगैरह या इस तरह से लेना पड़ा है बिल्कुल। लेकिन अब हमारी जो इकोनॉमी है अगर आप उसको चेक करें तो वो कुछ थोड़ा बेहतरी की तरफ जा रही है, लेकिन हमने किसी किस्म का कोई जंग का या किसी किस्म के बॉम्ब्स का इस तरह का कोई धमकी नहीं दी है किसी को भी, ना भारत को ना किसी और। मैं मिश्रा जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये जंग की धमकी कौन दे रहा है? ये बार बार परमाणु बम, बार बार आधा बम, पौवा बम जो शेख रशीद कहते हैं, बार बार बम की धमकी कौन देता है और किस दम पर दे रहे हैं? किस दम पर दे रहे हैं जिनके पास देश चलाने के लिए पैसा नहीं है? मेरा सवाल तो ये है। मैं ये जो बैठी है पाकिस्तान मोहतरमा से, इनसे मैं बोलूंगा कि आप अपने बुजुर्गों से पूछिए, पाकिस्तान इन बॉर्न भिखारी और खैराती है। जब आपका देश बना था तब 50 करोड़ रुपए के आसपास भारत से कैश दिए गए थे ताकि आप अपने सरकारी कामकाज को चला लो, तो आप तो जन्मजात भिखारी हैं और खैराती हैं। रही बात ये धमकी देने की ना, धमकी देना यानी जैसे लोकल गुंडे होते हैं ना जो एक्सटॉर्शन करके मनी उगाही करते हैं, ये पाकिस्तान का नेशनल धंधा बन गया है, नेशनल बिजनेस इसको डिक्लेयर करना चाहिए कि हर आदमी को, हर देश को हर बात पे धमकी देना, जैसे लोकल गुंडे धमकी देते हैं कि भाई इतना पहुंचा दो, परमाणु बम की धमकी देंगे, अब वो भी पहले वार की ये धमकी देते थे, कश्मीरी नहीं, एक्चुअली इनका निशाना तो पूरे हिंदुस्तान और उसकी प्रॉस्पर्टी पे है, ये तो बहाने ढूंढते रहते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं ये कहूंगी कि आरजू काजमी कम से कम आप ये तो कह रही हैं कि बयान डिफेंड करने लायक नहीं है। मैं कह रही हूं कि आरजू काजमी कम से कम ये तो कह रही हैं कि ये बयान डिफेंड करने लायक नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ शेख रशीद की बात नहीं कर रही हूँ मैम, मैं सिर्फ शेख रशीद की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके वजीर आजम के बयानों की भी बात कर रही हूँ, वो भी एक फेहरिस्त है, बार बार कुछ बड़ा हो जाएगा अगर ऐसा, अगर कश्मीर पर हिंदुस्तान ने अपना कदम आगे बढ़ाया पीछे नहीं खींचा तो हम इसमें बड़े गंभीर परिणाम हो सकते हैं। कौन से होंगे वो गंभीर परिणाम? जो गंभीर परिणाम आपके देश में है, जहां पर कर्ज आप लेते हैं कर्ज चुकाने के लिए, आप लोग ये पता है कि नहीं, आपको कर्ज लेते हैं कर्ज चुकाने के लिए, आप लोग हर वक्त कहते हैं पाकिस्तान के चार टुकड़े कर देंगे, कर्ज लेते हैं कर्ज चुकाने अभी चार और लोग लाइन में लगे हैं अलग होने के लिए। शेख रशीद जो आपके रेल मिनिस्ट्री है उनको बोलिए दिमाग लगाए, रेल मिनिस्ट्री रेल को चलाने के लिए, आपके यहाँ रेल खड़ी है सर,
सुनिए उनके बयानों को गंभीरता से, लेकिन वजीर आजम के बयानों को तो मैं हल्के में नहीं ले सकती हूँ ना। मैं एक चीज बोलूंगा, अगर वो कहते हैं कि गंभीर परिणाम होंगे, वो कहते हैं कि परमाणु बम हमारे पास भी है, तो इसका मतलब क्या है? परमाणु बम है हमारे पास, इसका क्या मतलब है? और किस पैसे से आ रहा है वो परमाणु बम सर? आप यूएन में जाते, इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि यूएन में जाते को धमकी दे दी, दुनिया को धमकी दे दी। नहीं नहीं, इनका इतिहास है, आपके जो बाबाए कौम है कायदे आजम जिन्ना से लेके जितने प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, अगर उनकी धमकियों और बयान का अगर मैं चिट्ठा खोलना शुरू करूंगा ना, तो 70 साल से आप केवल बयानबाजी कर रहे हो। आपने बोला आप एशियन टाइगर थे, आप वही एशियन टाइगर थे जिसके मुंह में दांत नहीं है, जिसके पंजों में नाखून नहीं है आप, और ऐसा टाइगर क्या करेगा? केवल गुर्रा सकता है। आप वो टाइगर हो जो हर वार में हर युद्ध में हमने देखी है आपकी टाइगरगिरी। सही पढ़े देखे, जब आप आते हैं ना, आपने अपने भारत को अपने यहाँ का कोई लोकल नेता समझ कर रखा हुआ है क्या कि वहाँ की मिलिट्री और आईएसआई ने धमकी दी और वो जाकर के दबक गए? सुनिए 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 सुनिए, धमकी आप लोगों ने दी थी, आपने जाके इंडिया की बात की थी, आपके नरेंद्र मोदी जो है लाल किले पे खड़े होके जो है वो बलूचिस्तान की बात कर रहे थे, हम नहीं कर रहे थे, आपके नरेंद्र मोदी साहब कह रहे थे, आप लोग न्यूक्लियर नॉन फर्स्ट स्ट्राइक से जो है पीछे हटे, जब आप राजनीति के साथ आपको याद नहीं है, हम जिस काम के साथ आप जुल्म कर रहे हो उन गरीब आदमियों की बात भी ना करें, ये डरने लगे हैं, इनके हाथ पांव फूल गए हैं। सोवियत संघ से लड़िए, हमें पैसा दीजिए, हमारा बेस इस्तेमाल करिए, फिर 26/9/11 होता तो फिर कहते फिर आ जाइए हमारे पास, हमको पैसा दीजिए। पाकिस्तान में लोग बहुत अच्छे होते हैं, इनको कोई पैसा दे तो ये अपने ही देश में ऑपरेशन करेंगे, ये अपने ही देश में ऑपरेशंस करना शुरू कर देते हैं, बस इनको खैरात मिल जाए, इनके कटोरे में कुछ 2-4-6 डॉलर पड़ता जाए। रही बात अभी मोहतरमा बोल रही थी एसाइलम की, किसको किसको एसाइलम की बात करेंगे आप? अल्ताफ हुसैन की बात करेंगे कि आप वहां के कराची के पूर्व मेयर अचक जय की बात करेंगे? आपके खुद के अभी निवर्तमान राष्ट्रपति जो एसाइलम में बैठे हुए हैं, आपको अभी टीवी पे इसी पूछ दे तो आप भी हाथ जोड़ के बोल दोगी कि हमें वीजा दे दो, हम इंडिया आने के लिए तैयार हैं। राष्ट्रपति ओसामा को हीरो बनाते हैं, वो ओसामा को हीरो बनाते हैं, मेजर जनरल जीडी बख्शी जुड़ गए हमारे साथ, मेजर जनरल जीडी बख्शी और डॉक्टर रिजवान नसीर, मेजर जनरल जीडी बख्शी और डॉक्टर रिजवान नसीर, मेजर जनरल जीडी बख्शी, ये क्या कोई नई कहानी है कि पाकिस्तान कर्ज लेता है और उस कर्ज के पैसे से आतंकवाद की फैक्ट्री चलाता है? पहली बार अब इमरान खान ने मान लिया कि मुझे हाथ फैलाने पड़ रहे हैं, मुझे खैरात मांगनी पड़ रही है और मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन देश तो खैरात भरी चल रहा है, लेकिन तब भी गीदड़ भपकी से बाज नहीं आते, सोने की चिड़िया ही कहलाए और आगे भविष्य में भी सोने की चिड़िया हिंदुस्तान होगा। मुझे इतना पता है कि ये पैदा हुए थे तो हाथ में खैरात का कटोरा लेके पैदा हुए थे, खैरात मांगने के लिए कटोरा लेके पैदा हुए हिंदुस्तान ने की है, हिंदुस्तान फ्लॉप हो गया इस चीज में, अपनी स्ट्रेटेजी में पाकिस्तान रेलेवेंट हो गया। कौन सी स्ट्रेटेजी? अरे रुकिए, एक मिनट, अमित रैना, डॉक्टर नसीर प्लीज, मैं ये समझना चाहूंगी, मैं डॉक्टर नसीर, आपने बड़ी 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 गंभीर बहुत बहुत बड़ी बात कही है, हिंदुस्तान फ्लॉप हुआ और पाकिस्तान रेलेवेंट हो गया, मतलब आपने जो बात बोली उसके लिए कोई तथ्य भी है या ख्याली पुलाव है? मुझे बताएंगे कैसे रेलेवेंट हुआ? एक बात एक्नॉलेज कर ली आपने कि आप पहले इरेलेवेंट देश थे, ये तो आपने कम से कम एक्नॉलेज किया। अगर आज नहीं, जरा वो कहानी सुनते हैं ना, और आप बता, अमित रैना जी एक कहानी सुनते हैं, जरा कहानी भी कई बार अच्छी लगती है, ख्वाबों ख्यालों की कहानियां भी अच्छी लगती है। कैसे हो गए सर रेलेवेंट पाकिस्तान? पाकिस्तान कैसे हिट है और कैसे हिंदुस्तान फ्लॉप है सर? ये कहानी अच्छी है, बताइए ना। ईरान के साथ पाकिस्तान आ गया है, रशिया हाँ। पाकिस्तान के साथ आगे आ गया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर पाकिस्तान मेजर एक लिंच पिन है, जिसकी वजह से चाइना क्या मजाक की बात है? सुनिए, मैं आपको बताती हूँ क्या रेलेवेंस है, रेलेवेंस क्या है, मैं आपको बताऊँ। जब अमेरिका चाइना आपको तकरीबन $5 बिलियन का कर्ज देता है, ये रेलेवेंस है। सऊदी अरब आपको
तकरीबन 6.5 बिलियन डॉलर का कर्ज देता है, ये रेलेवेंस है। इन्हीं देशों की बात कर रहे हैं ना, ये रेलेवेंस है कि वो आपको कर्ज दे रहे हैं और उसी पैसे से आप चल रहे हैं, बाकी कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। सऊदी अरब में है आपकी मैन पावर, अरब कंट्रीज में है, अगर वो तो आप मिन्नत करते हैं कि आपके लोग वहां से जो पैसा कमा दें, चाइना और आपके संबंध हमसे अच्छे हैं क्योंकि वो आपके आता है और आप उनके गुलाम हैं, आपका और गुलाम का संबंध तो ज्यादा अच्छा होगा ही होगा। उन्होंने कल अपने लड़कियों की शादियां ये वहां करवा रहे हैं ताकि खैरात मिलती रहे। आपको अपनी जीडीपी पता भी है? आप जैसे यहाँ इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर की कारें नीलाम हो रही है। वन टेंथ ऑफ जीडीपी है आप हमारे 1/10 अब्दुल्ला साहब थोड़े रियलिटी चेक के लिए मैं एक चीज कहूंगी, सुनिए मेजर जनरल जीडी बख्शी और अब्दुल्ला साहब को ले रही हूँ मैं, अब्दुल्ला हामिद और मेजर जनरल जीडी बख्शी, सुनिए मैं आपको ये कहूंगी, मैं आपसे कहूंगी अब्दुल्ला साहब, देखिए हम आपके भविष्य में चाहते हैं कि वो पैसा आप लें। हमारी मिनिएचर टेक्नोलॉजी जो न्यूक्लियर है उससे सुपीरियरिटी है, आपको आपको उससे डर लगता है? मुझे बिल्कुल, मुझे आपकी किसी भी टेक्नोलॉजी से, किसी भी उपलब्धि से इतनी सी भी ईर्ष्या नहीं है, क्योंकि वो है वो है कहाँ टेक्नोलॉजी, मैं बताता हूँ कौन सी टेक्नोलॉजी, मुझे इतनी सी भी ईर्ष्या होगी, इतनी सी भी जलन होगी। नॉट कॉमेडी शो, ये आलम है कि 108 आपकी एफआईआर है, न्यूक्लियर हम पाकिस्तान नहीं है, हम कश्मीर पे कब्जा चलता रहेगा, कर्फ्यू चलता रहेगा, कश्मीर आपसे पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर छोड़ दें, जब कह रहे हैं आप कि प्यार से देंगे तो लुटेरे हुए हैं, प्यार से जवाब नहीं देंगे, हीरो बनाया है, नहीं दोगे तो ले लेंगे, अभी नहीं, हजारों साल से डॉक्टर नसीम मेरे आतंकवादी, ये इंटरनेशनल हीरो है, मुझे जवाब चाहिए। मैंने इसलिए पूछा कि जब पाकिस्तान अब्दुल्ला साहब आपका हीरो है, उसामा झूठ बोल रहे थे क्या, आपका आपका हीरो है अब्दुल्ला, आपका आपका हीरो है क्या हाफिज सईद हीरो है आपका, अब्दुल्ला साहब बताइए, हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर हीरो है आपका, नहीं हजारों मौलाना मसूद अजहर हीरो है आपका, कितने लुटेरे मौलाना मसूद अजहर हीरो, कौन सा हीरो है मौलाना मसूद अजहर हीरो है आपका, पहले ये बताएं, पहले हाफिज सईद को तो हीरो मान लिया सर आपने, हाफिज सईद को तो हीरो मान रहे हैं आप, अपना बताएं मौलाना मसूद अजहर आपका हीरो है, आपका वो जवाब है, नहीं आप पहले बताएं मौलाना, नहीं मैं क्यों बताऊं, मैं एंकर हूं शो की सर, मेरा काम है सवाल पूछना, आप पैनलिस्ट हैं, जवाब नहीं देंगे क्योंकि जवाब नहीं है तो नहीं दे पाएंगे, देने के लिए तैयार हैं, मैंने कहा मौलाना मसूद अजहर आपका, बताए ना जवाब, मैंने आपसे पूछा आप जवाब दे, मौलाना मसूद अजहर आपका हीरो है, मैंने आपको मौलाना मसूद अजहर आपका तो हीरो है ना, हीरो था ये तो, पहले अमेरिकन जब लाए तो ये हमारा हीरो था, और हाफिज सईद हमारा हीरो है, वो तो अभी भी कह रहे हैं, मौलाना मसूद अजहर हमारा हीरो है, हाफिज सईद हमारा हीरो है, ये ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, वो अभी भी कह रहे हैं हाफिज सईद हमारा हीरो है, इजहार किया है जनरल मुशर्रफ आपके भूतपूर्व प्रेसिडेंट, उन्होंने उसको हीरो माना है, हीरो का दर्जा करार दिया है, इज इट दैट सिंपल आरजू, वो उनकी एक इज इट दैट सिंपल आरजू, इतनी मामूली बात है, जाती राय हो सकती है, इसी तरह से हाफिज सईद के बारे में भी किसी की जाती राय हो सकती है, जहां तक मेरे तालुक है मेरे लिए मिस्टर जिना सिर्फ हमारे मुल्क के हीरो हैं और कोई नहीं, और सब आते और जाते रहते हैं, आप उसको उसके साथ मिक्स ना करें उस बात को, दूसरा एक चीज पहले प्रेसिडेंट आपके आपने उनको देश से निकाल दिया, आज आपके जिन्ना की जो बहन थी फातिमा जिन्ना की क्या हालत आपने की थी, आपके जितने प्राइम मिनिस्टर होते हैं सब एक्साइल में जाते हैं, मिश्रा जी वो टॉपिक नहीं है, मैं ये सीधे सीधे पूछ रही हूँ, आरजू काजमी आप कम से कम मानती हैं और आवाम की आवाज, मुझे ये जानना है कि पाकिस्तान की आवाम की आवाज भी यही है क्या, आपका बिरादर मुल्क अफगानिस्तान आपके साथ करना चाहता, ईरान आपके ऊपर रॉकेट दाग रहा है, कह रही हूँ कि मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपका मुल्क, आपका मुल्क जिस तरह की आर्थिक हालत में है,
कर्ज मांग मांग कर देश चल रहा है, वजीर आजम खुद मान रहे हैं उस पैसे का इस्तेमाल आवाम की बेहतरी में लगाइए, ना कि आतंकवाद को पालने में, और आप लोग सब उसके प्रवक्ता मत बनिए, आवाम की आवाज लोगों तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, महाभारत में मेरे पास समय इतना ही था।